नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में, आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। शराब घोटाले में बुधवार को गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 10 अक्टूबर को तक ईडी की रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कोर्ट से बाहर निकलते हुए संजय सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है और वो डरने वाले नहीं है, लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुर्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो आरोप है, बोला गया पैसे लिए आपने, बुनियाद आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दम दिखाते रह गए। सड़क पर दिन भर नारेबाजी और भाषणबाजी होती रही। नेताओं कार्यकर्ताओं की पलटन बीजेपी और मोदी सरकार पर इल्जामों की झड़ी लगाती रही। लेकिन पार्टी के सांसद संजय सिंह की नियति जैसे पहले से तय थी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड में भेज दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे अन्याय बताया, 2024 में हार के डर की बौखलाहट का नतीजा बता दिया। अमित अरोरा और दिनेश अरोरा का बयान दसों बार हो चुका है। आज से पहले संजय सिंह का नाम का कोई जिक्र नहीं हुआ। आज अचानक से एक दिन पहले ईडी आती है और कहती है जी आपके खिलाफ ये बयान दिया गया है। और किसके द्वारा? एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उनका अप्रूवर बना हुआ है और उनकी उन्होंने बेल करवाई है। तो ये पूरा जो जिस तरीके से आज कोर्ट में दलीलें दी गई ईडी से, इससे बिल्कुल साफ साबित होता है कि इनके पास किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं। लेकिन इधर उधर से जो है कुछ कहानियां बना के ये कोर्ट में पेश कर रहे हैं। अब चूंकि ये प्रोसेस है कि अगर आपने जो है रिमांड मांगी है तो कोर्ट को जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के लिए रिमांड देना पड़ता है। उसी प्रक्रिया के हिसाब से इनको जो है 10 दिन मांगी थी इन्होंने रिमांड, 5 दिन का रिमांड दिया, 10 तारीख को दोबारा। नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुर्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो आरोप है, बोला गया पैसे लिए आपने, बुनियाद आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। जब ईडी कोर्ट के आगे किसी कस्टडी के लिए आती है तो पीएमएलए कानून ऐसा है उसमें कस्टडी मिल जाती है, लेकिन कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं था। दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के स्टेटमेंट्स को जो इन्होंने आधार बनाया, ये दिनेश अरोड़ा जो माने संजय सिंह जी ने भी कहा कोर्ट के अंदर, यही दिनेश अरोड़ा और यही अमित अरोड़ा ने कई बार स्टेटमेंट्स दिए हैं। और एक बार तो इसके स्टेटमेंट में लिखा है कि क्या भैया संजय सिंह को किस आपने कोई पैसा दिया, बोला नो नेवर। तो ऐसी क्या बात हुई कि आज वो बदल गया स्टेटमेंट? शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने अदालत से 10 दिन की रिमांड मांगी जो बाद में 7 पर आ गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 5 दिन काफी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के साथ ही मुंबई, चंडीगढ़ और लखनऊ समेत देश के कई शहरों में सड़कों पर उतरे। आम आदमी पार्टी ये दावा करती रही कि संजय सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई बीजेपी के बदले की सियासत का सबूत है, लेकिन बीजेपी की दलील यही रही कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसकी जगह तो जेल में ही होगी। हालांकि मुश्किल घड़ी में इंडिया गठबंधन के अधिकांश घटक दल ईडी की कार्रवाई को सियासी बताते रहे, तानाशाही की दुहाई भी देते रहे। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। दिनेश अरोड़ा जो गवर्नमेंट अप्रूवर बन गए हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो संजय सिंह के घर पर और अमित अरोड़ा के साथ में जाकर पैसे देकर आए थे, और उसके बाद में ये संजय सिंह जी ही थे जिन्होंने उनको ले जाकर अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर मीटिंग कराई और उनको बताया कि पैसे कहां पर डिलीवर करने हैं। तो इसमें अगर गवर्नमेंट अप्रूवर और पैसे देने वाला अगर किसी का नाम लेता है तो वो एक अपना बहुत ही सॉलिड एविडेंस है। उनके बैंक में भी जाइए, जहां जहां संजय सिंह जी पिछले एक साल में गए हैं, आप जाके हर जगह रेड मारिए, वहां पर भी आपको एक चवन्नी नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको चुनाव की हार का डर है, उनको पता है कि आने वाले राज्य चुनाव भी वो हार रहे हैं और लोकसभा का चुनाव भी वो इंडिया अलायंस के हाथों हार रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति को
उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। यही ईडी जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, वही ईडी जाकर भूपेश बघेल को गिरफ्तार करे। बताइए, ईडी वहां काम करे तो चमत्कार, और ईडी आप पर काम करे तो गुनेगार। इसीलिए आज विक्टिमहुड कार्ड खेलने का समय नहीं, आज हिसाब किताब देने का समय है। विपक्षी नेताओं पर, विपक्षी दल के पदाधिकारियों पर आज से नहीं, जब से ये एनडीए की सरकार बनी है, तब से दबाने कुचलने की कोशिश की जाती रही है। सोनिया जी, राहुल जी के बाद लगातार, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, सभी जगह इस प्रकार से दमन किया जा रहा है ताकि कोई विपक्ष के बचे ना। उधर दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी से तल्ख सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर राजनीतिक दल लाभार्थी है तो आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। हालांकि बाद में कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि उसने ईडी को आदेश नहीं दिया कि वह आपको आरोपी बनाए। विमल कौशिक, दिव्या अग्रवाल, दीपक दुबे और वरुण सिन्हा और अमित पांडे के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली न्यूज 24।